सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। यशोवर्धन, मेरा नाम यशोवर्धन है। क्या समस्या है यहाँ पे आपकी? यहाँ पर मेरी दुकान है इस वाले मार्केट में, यहाँ पर मौत को दावत दी जा रही है प्रशासन के द्वारा। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैमरा लगाइए यहाँ पर, इस जर्जर रोड की हालत देखिए। जितने भी बड़े वाहन निकलते हैं ये रोड को छोड़कर पटरी से उनको मजबूरी में निकलना पड़ता है। ऊपर आप देख सकते हैं हाई टेंशन लाइन, चूँकि नई डल चुकी है फिर भी अभी तक वो चालू नहीं की गई है। इसमें से करंट के द्वारा किसी भी दिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए। हम लोगों की दुकानों तक आने के लिए लोगों को इतने घूम कर आना पड़ता है, दिन दिन भर 200-200 रुपये नहीं आ पा रहे, हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोगों के बच्चे पलेंगे? प्रशासन इन सब बातों से अनजान है साहब, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। कम से कम 20 शिकायतें कर चुके हैं हम, सारे दुकानदार लोग भी जा चुके हैं, नगर पालिका के पास गए, ऊपर अधिकारियों के पास शिकायत की, कोई सुनने वाला नहीं है। इस समस्या को अगर आप ऊपर तक पहुँचा देंगे तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस संबंध में क्या आपने तहसील समाधान दिवस में एप्लीकेशन दी? हम लोग गए थे, हर जगह शिकायतें कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तार बहुत नीचे लगे हैं, कभी भी हो चुका है आपको मैं बता दूं, एक बस यहाँ पर खड़ी थी रात में, उसके टायरों से धुआं निकलने लगा क्योंकि तार टच होता है नीचे से, अर्थिंग से नीचे ही से आग लगती, लेकिन फिर भी अभी सब अनजान है। जब किसी दिन कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी उसके बाद डीएम साहब भी आएंगे, एसपी साहब भी आएंगे, हो सकता है हमारी योगी जी भी आ जाएं, लेकिन अभी तो मुझे कोई आता दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो इस संबंध में क्या आपने बिजली विभाग के एसडीओ साहब से भी बात की गई?
की गई है। तो उन्होंने अभी तक कोई संतुष्टि नहीं मिली हम लोग। तो कब शिकायत की थी आप लोगों? शिकायत हर 10 दिन में कोई ना कोई एप्लीकेशन लेके जा रहा है। हम दुकानदारों में से भी जा रहे हैं, बस्ती वालों को भी बहुत दिक्कत है, आने जाने वाले बसों वालों को दिक्कत हो रही, ट्रक वालों को दिक्कत हो रही है। अभी परसों में यहीं पैर फिसल के गिर गया मैं, आप देख रहे हैं मैं ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, पैर में मेरे मोच है, लेकिन क्या करें साहब, हम लोगों को तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये चरखारी रोड है ना, यहाँ पे आगे विद्यालय भी है बहुत सारे, सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों की विद्यालय यहीं पर। अच्छा, आप बड़े बड़े वाहन जब रोज गुजरते हैं यहाँ से, किसी हाँ दो बच्चे कल यहाँ पर गिरे हैं बेचारे, दोनों तीन चार सेशन गए, उनकी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो गई, उनको वापस घर जाना पड़ा, इसके लिए कौन जिम्मेदार? अब ठीक है साहब, तो इसके लिए आप जैसे कि अगला समाधान दिवस जैसे कि होगा तो फिर जाऊंगा मैं, हाँ। फिर जाऊंगा, सब लोग हम लोग जाएंगे, लेकिन तो, सुनवाई कोई नहीं होगी। तो क्या आप लोग जब गए थे पिछली बार वहाँ पे कितने लोग गए थे आप वहाँ पर? अभी हम लोग कुल 10-15 लोग गए थे, इस बार और हुजूम बना के जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सुनवाई सरकार या नगर पालिका प्रशासन करने वाला है। तो इस बार जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को लेके जाएंगे, तो वहाँ पे क्या आप नारेबाजी करेंगे या करेंगे? क्या हमारी, करेंगे आप? हमारी कोई नेतागिरी की तो मंशा है नहीं हम लोगों की, हम लोग तो छोटे से दुकानदार लोग हैं, हमको थोड़ी सी ये समस्या दूर हो जाए और हमें क्या करना है।